सुबह के तारे के रूप में जाना जाने वाला एक फरिश्ता जिसका नाम था लूसीफर। माइथोलॉजी में लूसीफर के बारे में लिखा है कि लूसीफर को भगवानों ने बनाया था। लूसीफर जितना खूबसूरत था उतना ही ज्यादा वो ज्ञानी भी था और इसकी इसी खूबियों के कारण स्वर्ग के सभी फरिश्ते इसे अपना सरदार मानने लगे थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था लेकिन तभी देवताओं और भगवानों के बीच एक सभा हुई जिसमें लूसीफर को नहीं बुलाया गया। इस बात का लूसीफर को बहुत बुरा लगा और वो स्वर्ग के सभी फरिश्तों को ज्यूस के खिलाफ भड़काने लगा और कहने लगा कि वो ज्यूस से ज्यादा महान है। लूसीफर की बातों का फरिश्तों पर बहुत असर हुआ और स्वर्ग के आधे से ज्यादा फरिश्ते लूसीफर की पूजा करने लगे और उसे अपना भगवान मानने लगे। देवताओं ने लूसीफर को समझाने की बहुत कोशिश करी लेकिन लूसीफर नहीं माना और मजबूरन देवताओं को लूसीफर को स्वर्ग से निकालना पड़ा और लूसीफर के साथ ही देवताओं ने उन फरिश्तों को भी बाहर निकाल दिया जो लूसीफर को अपना भगवान मानने लगे थे। इस घटना के बाद लूसीफर और उसके साथी हेल में जाकर रहने लगे और बुरे फरिश्ते बन गए।